नमस्कार, मैं आरिफ मंसूरी, प्रकाश प्रभावी, आपका स्वागत। कंस मामा की आपने कहानियां सुनी होंगी और देखी भी होंगी। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के समसपुर गांव से सामने आया, जिसमें एक कंस मामा ने नौ दंपति पर तेजाबी हमला कर दिया और मौके से रफू चक्कर भी हो गया। तेजाबी हमले से नौ दंपति गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में CSC के लिए भेजा गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद लतीफ। कहां के रहने वाले हैं? जिला फतेहपुर। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं अपना इधर अपने इधर में शादी किया, इसके लिए हमारे मामू खिलाफ हैं। वो बोल रहे हैं तो इधर शादी मत करो, इसके लिए वो लोग खिलाफ थे, तो आए आके हम दोनों लोग के ऊपर तेजाब डाल के चले गए। ये भागी, उसके पीछे मैं तड़प रहा था, चार भाई पे भागी है। उसके बाद बोले मामू आए, लेके चले गए, मोबाइल लेके गए, सब चीज़ लेके चले गए। इसका भी मामू है, अपना भी मामू है, सगा मोहम्मद शमीम। कहाँ के रहने वाले हैं? समाजपुर। आपके बच्चों के साथ जो घटना हुई है, क्या है पूरी बात बताइए। ये घटना हुई है, पीछे से आए हैं। कौन आया है? रहमान, हमारे साले। अच्छा, और घुस करके तेजाब डाल दिया। किस बात को लेकर के तेजाब डाला है? ये करके कि इनके साथ शादी नहीं करी है। शादी से खुश नहीं थे? हाँ, और ये पहले भी कह चुके थे शादी होगी तो गोली मार देंगे। किसी ने देखा है उनको? हाँ, हमारी लड़की जब डाला है तो लड़की देखा है, वो पहचाना है कि मामू डाल रहे हैं। बस है, क्या है पूरा मामला? अब ऐसी अटैक हुआ है एक पुरुष एक महिला पे। पुरुष का नाम है मोहम्मद लतीफ और महिला का नाम है हीना बानो, जो समस्तपुर गांव से बिलोंग करते हैं। क्या है कंडीशन इस समय? कंडीशन तो अभी ठीक है, लेकिन एसिड अटैक का मामला है, इसलिए प्राथमिक उपचार हम यहां से कर दिए हैं। उसके बाद हम उसको जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिए हैं।